क्या महाराष्ट्र में इन लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है? क्या अपने ही जले पर अपने ही हाथों से नमक छिड़क दिया गया है? और क्या एनसीपी को तोड़ना बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में बहुत ही बड़ा झटका साबित होने वाला है चुनाव परिणामों के हिसाब से? इस वीडियो में मैं आपको एक सर्वे रिपोर्ट दिखाऊंगा जिसे देखकर बहुत सारे लोगों के होश उड़ जाएंगे। जो लोग आज जोर जोर से तालियां बजा रहे हैं कि तोड़ दिया, ये रिपोर्ट देखकर वही लोग कहने लगेंगे कि अपने घर तोड़ दिया। बात ये भी करेंगे कि क्या देश के प्रधानमंत्री मोदी को अब अपने ही देश की जनता पर बिल्कुल भरोसा नहीं रह गया है, और जनता को तो छोड़िए, क्या खुद पर भी भरोसा नहीं रह गया है? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं विस्तार से बताऊंगा और बेहद आसान भाषा में बताऊंगा। हमारे ही देश में एक राज्य है उत्तराखंड। पिछले दिनों आपने यहां से तमाम तरीके की खबरें सुनी होंगी, मगर आज उत्तराखंड की एक ऐसी हकीकत आपके सामने लाया हूं जो न सिर्फ वहां की भाजपा सरकार बल्कि उत्तराखंड की जनता के सामने भी बड़े बड़े सवाल खड़े करता है। और अंत में बात करेंगे दैनिक भास्कर की। दैनिक भास्कर एक बड़ा न्यूज पोर्टल है, लेकिन कोर्ट ने इन्हें फटकारते हुए बहुत ही तगड़ा वाला आईना दिखाया है और सजा के रूप में ऐसा काम करने के लिए कह दिया है कि गोदी मीडिया के तमाम लपड़झंडिसों को झटका लग सकता है जानकर। इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बातचीत करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा। देश को गोदी मीडिया के जहरीले प्रकोप से बचाने और आम आदमी की आवाज को बुलंद करने में हो सके तो हमारे सहायक बनिए। इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले उस मामले पर बात कर लेते हैं जो मेरे हिसाब से देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। मगर सवाल यह है कि जब पिएगा तब न दहाड़ेगा और फिर जब पीने दिया जाएगा तब न पिएगा? उत्तराखंड से पिछले कई महीनों से लगातार धर्म के नाम पर टकराव पैदा करने वाली खबरें सामने आती रही हैं। कभी किसी अल्पसंख्यक समुदाय के ठेले वाले को कुछ फर्जी राष्ट्रवादी लोग ID मांगकर वीडियो बनाने लगते हैं, कभी अल्पसंख्यकों के बहिष्कार का नारा लगाया जाने लगता है। हाल ही में किस तरीके से बहुत सारे अल्पसंख्यक परिवारों को अपना घर बार छोड़कर जाना पड़ा, यह भी आप सबने देखा। यानी कि उत्तराखंड में लगभग हर महीने कुछ न कुछ ऐसी चिंगारी छोड़ दी जाती है जिससे आग झुलसती रहे, शांत न हो। ये चिंगारी छोड़ने वाले कौन है, कौन लोग हैं, कौन इसमें ईंधन डालता है और किसे इन सब का फायदा मिलना है, ये आप सबको पता है। यानी कि सर्कस का रिंग मास्टर कौन है ये सब जानते हैं, मगर फिर भी कुछ मुट्ठी भर लोगों ने पूरे समाज को गंदा कर रखा है। जबकि उन मुट्ठी भर को ये मालूम भी नहीं है कि किस तरीके से वे अपनी ही लगाई आग का शिकार होने वाले हैं और हो भी रहे हैं। उनके बच्चों का भविष्य भी उसी चिंगारी से जलने वाला है जो वो दूसरों के लिए पैदा कर रहे हैं। उत्तराखंड के पिछले कुछ महीनों या सालों की खबरें यदि आप देख लें तो ऐसा लगेगा कि वहां की सबसे बड़ी समस्या है वहां के मुस्लिम। अलग अलग तरीकों से कभी बहिष्कार तो कभी अलग अलग तरह के ढूंढकर असल मुद्दों से ध्यान भटकाया जाता है। अब दवायर की इस रिपोर्ट को ध्यान से देख लीजिए। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपल के 67% पद खाली हैं, यानी कि 100 में से 33 प्रिंसिपल ही हैं, बाकी सब ओवरडोज में चल रहा है। इन पदों पर नियुक्ति केवल प्रमोशन के जरिए होती है और पिछले 4 सालों से कोई प्रमोशन नहीं हुआ है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यह मामला फिलहाल अदालत में विचाराधीन है। अब मैं जो रिपोर्ट पढ़ने जा रहा हूं एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए और किस तरीके से उत्तराखंड समेत पूरा भारत राम राज्य बनने की तरफ बढ़ रहा है इसकी कल्पना कर दीजिए। इस रिपोर्ट के अनुसार एडहॉक शिक्षकों ने नियमितीकरण और वरिष्ठता के मुद्दे को समाधान के लिए पहली बार 2002 में अदालत का दरवाजा खटखटाया था और तब उनके पक्ष में निर्णय आया तो कमीशन शिक्षक ट्रिब्यूनल में गए। इसके बाद आदेशों को बार बार चुनौती दी गई और याचिकाकर्ताओं को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। 20 साल की कानूनी लड़ाई के बाद विभाग को अप्रैल 2022 में सभी पदोन्नतियों को 3 महीने के लिए रोकने और वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया गया। वरिष्ठता की लिस्ट को अंतिम रूप भी दिया गया है, लेकिन सरकार की ओर से देरी हो रही है क्योंकि सरकार का कहना है कि यह विभागीय मुद्दा है। सरकार के इस रवैये को देखकर शिक्षक काली पट्टी बांधकर कक्षाओं में पढ़ा रहे हैं, यानी कि प्रमोशन ना होने की वजह से राज्य में 67% प्रिंसिपल के पद खाली हैं। अब समझने वाली बात यह है कि प्रिंसिपल का पद खाली है तो कमवा कैसे चल रहा है? तो काम चलता है कार्यवाहक प्रिंसिपल के जरिए, लेकिन कार्यवाहक प्रिंसिपल सब कुछ तो कर नहीं सकता है, तो कार्यवाहक के हस्ताक्षर करने की शक्ति उपलब्ध नहीं होती है, आर्थिक मामलों से जुड़े हुए निर्णय लेने की शक्ति नहीं है, यहां तक कि स्कूलों में मरम्मत वगैरह कराने की जरूरत पड़ जाए या फिर कोई भी बुनियादी निर्णय भी लेना पड़ जाए तो कार्यवाहक प्रिंसिपल नहीं कर सकता। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि जब सालों से प्रिंसिपल का पद खाली है तो स्कूलों का कामकाज कैसे चल रहा होगा? जिन मास्टर साहब को पढ़ाना चाहिए वो प्रिंसिपल का काम भी देख रहे हैं ऊपर, लेकिन उत्तराखंड की जनता को लगातार यह बताने की कोशिश की जा रही है कि देखो बड़ी समस्या दूसरे धर्म वाले हैं, पढ़ाई लिखाई नौकरी चाकरी ये सब तो बाद में मिलता रहेगा। जबकि हकीकत यह है कि पढ़ाई लिखाई नौकरी चाकरी महंगाई बेरोजगारी से ध्यान भटकाने के लिए ही दूसरे धर्म वालों
नेताओं को गालियां देने का कार्यक्रम चल रहा है और बाकायदा सिस्टमेटिक ढंग से चलाया जा रहा है। मगर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि जनता को बहुत दिनों तक बेवकूफ बनाकर नहीं रखा जा सकता, मुद्दों से भटका के रखा नहीं जा सकता। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी की, इसके बाद आपको महाराष्ट्र को लेकर आए सर्वे दिखाएंगे, फिर बात होगी कि कैसे अदालत ने गोदी मीडिया को सतर्क रहने वाला आदेश दे दिया है। आप पिछले कई महीनों से देख रहे हैं कि जब से विपक्षी एकता की बात चल रही है तब से पीएम मोदी और बीजेपी के अन्य बड़े नेता जरूरत से ज्यादा बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं और इस बौखलाहट में कुछ ऐसे काम हो रहे हैं जो फायदे से ज्यादा नुकसान दे सकते हैं। मगर इसी बीच एक और सवाल पैदा होने लगा है कि क्या अब पीएम मोदी को देश की जनता पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रह गया है, और वो भरोसा है वोट को लेकर कि क्या पीएम मोदी ये समझ चुके हैं कि अब देश की जनता उन्हें वोट नहीं देना चाहती या कम देना चाहती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं ये भी आप समझ लीजिए। बीजेपी के पास अब ऐसा कोई मुद्दा नहीं बचा है, फ्रेश मुद्दा नहीं बचा है जिसे लेकर वो जनता के बीच जा सके। ये बात मैंने कई वीडियोज में कही है, एक भी ऐसा मुद्दा नहीं बचा जिसे बीजेपी नए सिरे से उठा सकती है। मैं जनहित के मुद्दों की बात कर रहा हूं, ध्यान भटकाने वालों की नहीं, वहां तो कुछ भी पैदा किया जा सकता है। और जब से कर्नाटक का चुनाव परिणाम आया है जिसने बीजेपी को भीतर तक हिला दिया, वहां से यह मामला और ज्यादा साफ हो गया है कि अब बीजेपी मुद्दों के मामले में खाली हो चुकी है और जो मुद्दा ये लोग उठा रहे हैं वो जनता के समझे में नहीं आ रहा है, यानी कि जनता इनके उठाए गए मुद्दों पर वोट नहीं देना चाह रही है। इसीलिए अब जनता पर बहुत ज्यादा फोकस ना करते हुए, यानी कि अपना वोट बढ़ाने के चक्कर में ज्यादा ना पड़ते हुए दूसरों का वोट कम करने की रणनीति अपनाई जा रही है, यानी कि खुद को मजबूत करने की बजाय विपक्षी दलों को कमजोर करने का प्रयास। खासकर जब से पटना में विपक्षी एकता की मीटिंग हुई है तब से कहानी पूरी तरह से अलग हो चुकी है। तमिलनाडु से लेकर दिल्ली तक और पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र के नेताओं का नाम लेते हुए प्रधानमंत्री जी सबके भ्रष्टाचार गिना रहे हैं, मगर जैसे ही सामने वाला डुबकी लगाने को राजी हो जाता है, डुबकी कहां लगानी है ये आप सब जानते ही हैं, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। यानी कि जनता यदि हमें सीधे वोट नहीं दे रही है तो ऐसी स्थिति पैदा कर दी जाए कि विपक्षी कमजोर रहे और विपक्ष के खाते का वोट भी हमारे हिस्से में आ जाए। अब जनता के लिए कोई बड़े बड़े वादे लेकर प्रधानमंत्री जी सामने नहीं आ रहे हैं, इस समय पूरा ध्यान विपक्षी दलों को तोड़ने, उन्हें कमजोर करने में है, ऐसा नजर आता है। बिहार में लालू यादव के परिवार के कई सदस्यों पर चार्जशीट दाखिल हो गई है। केजरीवाल से लेकर ममता बनर्जी के भतीजे पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। आरोप साफ साफ है कि विपक्ष के नेताओं को यदि जेल जाने से बचना है तो भाजपा के साथ आ जाना है, और ये आरोप ही नहीं है, इसके कई प्रमाण सामने हैं। देश के प्रधानमंत्री को जनता पर ज्यादा भरोसा नहीं है वोट के मामले में, ये सवाल तो पैदा होता ही है, मगर उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या जनता को भी अब भरोसा नहीं रह गया है, और इस तरह के कुकृत्यों को देखते हुए जनता के बीच नाराजगी और ज्यादा बढ़ रही है। हाल ही में महाराष्ट्र की जिस राजनीतिक दल को पीएम मोदी ने महाभरस बताया था, कुछ ही दिन बाद उसके नेता को अपनी सरकार में डिप्टी सीएम बना दिया गया और कई लोगों को मंत्री बना दिया गया। लेकिन जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं उससे यह महसूस हो रहा है कि शिवसेना के टूटने के बाद पहले ही महाराष्ट्र में बीजेपी को लेकर जनता के बीच गलत धारणा बन चुकी थी और मराठी मानुष की चर्चा होने लगी थी। इसके तुरंत बाद बीजेपी ने महाराष्ट्र की एक और बड़ी पार्टी को तोड़ दिया है, यानी कि शिवसेना टूटने के बाद पहले से ही महाराष्ट्र की जनता बीजेपी को सभी उपचुनाव में बुरी तरीके से हरा रही थी और अब महाराष्ट्र की एक और बड़ी पार्टी को तोड़ दिया गया। हमने यूट्यूब पर जनता से एक सवाल पूछा था कि महाराष्ट्र की जनता 2024 चुनाव में किसे चुनेगी। आज के राजनीतिक हालात को देखा जाए तो महाराष्ट्र में बीजेपी, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार एक तरफ नजर आते हैं और दूसरी तरफ है कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार। हमने ये दो ऑप्शन जनता के सामने रखा था। इस सर्वे में एक दिन के भीतर 34,000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन 34,000 लोगों में से 97% का कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की जनता कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार के गठजोड़ को चुनेगी। जनता का मूड समझने के लिए 34,000 की संख्या कम नहीं होती है, बड़े बड़े सर्वे छोटी छोटी संख्या में हो जाते हैं। मगर एक बात ध्यान देने वाली है कि यदि सर्वे रिपोर्ट को ध्यान से देखा जाए तो दोनों के बीच, इन दोनों गठबंधनों के बीच कितना ज्यादा फासला है। मात्र 3% लोग हैं जो एकनाथ शिंदे, बीजेपी और अजीत पवार के साथ खड़े हैं। इस तरह की सर्वे रिपोर्ट यह सवाल खड़ा करती है कि क्या एक बार फिर से बीजेपी ने महाराष्ट्र में वही गलती कर दी जो शिवसेना को तोड़कर की थी, और इसका परिणाम भी और ज्यादा बुरा हो सकता है। वही चर्चा इस बात की भी होने लगी है कि यदि महाराष्ट्र में मराठी मानुष की भावना पैदा हो गई जिसके आसार दिखने लगे हैं तो मामला बीजेपी के हाथ से पूरी तरह से निकल जाएगा। इस बात की चर्चा पहले से ही हो रही थी कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में सिंगल डिजिट में सीट मिल सकती है, यानी कि अधिकतम 9 सीट, जबकि महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर आता है सबसे ज्यादा सीटों के मामले में। कुल मिलाकर जनता का मूड यदि देखा जाए तो महाराष्ट्र में बीजेपी और बुरे संकट में फंस गई है। सवाल यह भी पैदा होता है कि क्या बौखलाहट में उठाया गया हर एक
एक कदम बीजेपी को और भयंकर दलदल में फंसा रहा है। सोशल मीडिया पर हमने और इस तरह के कई सर्वे रिपोर्ट देखे, ज्यादातर में बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस उद्धव ठाकरे और शरद पवार की तरफ रुझान रखते हैं। एकनाथ शिंदे और अजित पवार को लगातार गद्दार शब्द से संबोधित किया जा रहा है और भाजपा की पहचान गद्दारों को गद्दार बनाने की हो रही है। और ये बात मेरी नहीं है, ये बातें लगातार सोशल मीडिया पर चल रही है, आप लोग खुद ही देख रहे होंगे। कुछ महीने पहले कुछ प्रोपेगेंडाधारियों ने झूठी खबर पैदा करके फैलाना शुरू कर दिया कि बिहार के श्रमिकों को तमिलनाडु में प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस मामले में बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप समेत कई लोगों पर अपराध दर्ज हुआ। मनीष कश्यप अभी भी जेल में है। लगातार सवाल यह भी उठ रहा था कि कई बड़े बड़े मीडिया संस्थानों ने भी इस फर्जी खबर को प्रसारित किया था, उन पर कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है। मगर तमिलनाडु सरकार ने बिहार में श्रमिकों पर हमले की फर्जी खबर को लेकर दैनिक भास्कर के खिलाफ भी दो मामले दर्ज करवाए थे। एक मामले में डिजिटल संस्करण के संपादक को अग्रिम जमानत देते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि मीडिया समूह अपने सभी प्रकाशनों के पहले पन्ने पर या होम पेज पर भूल सुधार छापे जिसमें कहा गया हो कि तमिलनाडु में बिहार प्रवासी मजदूरों पर हमले की खबर फर्जी थी और सच्चाई की पुष्टि किए बिना ही हमने प्रकाशित कर दिया था। यानी कि मद्रास हाईकोर्ट ने साफ साफ आदेश दिया है कि आपने जनता के सामने झूठ परोसा, लोगों के बीच कंफ्यूजन पैदा हुई, डर पैदा हुआ, अब आप जनता के सामने ही अपने उसी अखबार और ऑनलाइन पोर्टल पर मुख्य पृष्ठ पर छापिए कि आपने जो खबर छापी थी वो फर्जी थी और बिना जांच किए आपने जनता के बीच झूठ ठेल दिया था। वैसे देश की अदालतें यदि ध्यान देने लगे तो गोदी मीडिया के सैकड़ों लपट झंडिस हैं जिन्हें रोज अपने कार्यक्रम में बोलना पड़ जाएगा कि हमने झूठ बोला था, हमने गलती कर दी, हमने जानबूझकर झूठ बोला था, हमने प्रोपेगेंडा के तहत फर्जी खबर चला दी। और जिस दिन अदालतें इस तरह के लगातार आदेश देने लगेंगी, यकीन मानिए गोदी मीडिया के बहुत सारे लपट झंडिसों की दुकान बंद हो जाएगी, बेचारे बेरोजगार हो जाएंगे। वैसे हर एक मामले में जहाज ढूंढने वाले सुरेश सोहाड़के से पूछा जाना चाहिए कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के जिस लाल ने आदिवासी के ऊपर सुसु करने का महान काम किया, क्या चौहाड़के साहब इसे सुसु जिहाद का नाम देंगे या फिर कुछ और बताएंगे। इस मामले में भाजपा नेता को गिरफ्तार तो कर लिया गया, मगर गिरफ्तारी के बाद जिस तरीके से वो थाने जा रहा था, ऐसा लग रहा था मानो बहुत बड़ा जग जीत कर आया हो। इतना ही नहीं, कोई पुलिसकर्मी था जो पीछे से उसकी पीठ भी ठोक रहा था, मानो ये कह रहा हो कि शुक्ला तुम सुसु करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हालांकि देश में आदिवासियों और दलितों की हालत क्या है यह बताने की जरूरत नहीं है। जब इस तरह की कोई खबर सामने आती है तो बस उस पर चर्चा होने लगती है, बाकी ये सारी चीजें आए दिन होती रहती हैं। इससे भी ज्यादा कुछ होता है, ये अलग बात है कि हर दिन चर्चा नहीं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा काम पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चाहिए।